तो दोस्तों आज अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है जो कि भारत से भी संबंधित है, क्योंकि अमेरिका ने जो भारत को नजरअंदाज करते हुए कई सारे भारत के खिलाफ कदम उठाए थे, आज उन्हीं कदमों का नतीजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है और आज अमेरिका को इन्हीं कदमों की वजह से 440 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल पिछले साल की आप सभी को एक बात याद ही होगी, जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भारत के खिलाफ जाकर काफी ज्यादा प्रेम बरसाया जा रहा था और पाकिस्तान के पुराने F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने $450 मिलियन दे दिए थे पाकिस्तान को। अब इन पाकिस्तान के F-16 का उपयोग भारत के खिलाफ ही किया जाता है, परंतु अमेरिका ने फिर भी पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान के इन जहाजों को अपग्रेड किया। इसके अलावा बाढ़ के नाम पर और मानवीय सहायता के नाम पर अमेरिका की तरफ से मिलियंस ऑफ डॉलर की जो मदद है वो पाकिस्तान को करी गई, परंतु पाकिस्तान ने आज अपना असली चेहरा अमेरिका को दिखा दिया है और चीन और अमेरिका में से जब किसी एक को चुनने की बात आई है तो पाकिस्तान ने चाइना को ही चुना है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेसी समिट होने वाला है जो कि अमेरिका में 28 से 30 मार्च तक चलेगा और इस समिट के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया था और अमेरिका ने कहा कि इसमें लोकतंत्र की बातचीत होगी तो पाकिस्तान तुमको भी इस समिट में आना पड़ेगा, परंतु पाकिस्तान ने अमेरिका के इस निमंत्रण को सरे से इनकार कर दिया है और अमेरिका जाने से और इस सम्मेलन में भाग लेने से पाकिस्तान ने अमेरिका को साफ मना कर दिया है और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो। दरअसल 2021 में क्या हुआ कि जब यह जो समिट है वो पहली बार हो रहा था तो इस समिट के अंदर अमेरिका ने रूस और चीन के लोकतंत्र को लेकर कई सारे सवाल उठा दिए थे और यह पूरा समिट चीन और रूस के ऊपर ही शिफ्ट करवा दिया था अमेरिका ने। और अब की बार पाकिस्तान जानता था कि यदि हम गलती से भी अमेरिका के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए तो अमेरिका हमसे चीन की बुराई करवाएगा दबाव डालकर। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से यह बोल दिया कि 2021 का यह समिट भी हमने अटेंड नहीं किया था तो 2023 का समिट भी हम अटेंड नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आप सभी की इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और जो अमेरिका भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को मदद कर रहा था, आज जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने किया है वो क्या अमेरिका के साथ सही हुआ, कमेंट बॉक्स में प्रयास दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।